यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब हम रुक कर लेंगे कानपुर का, प्रभात अवस्थी वहां पर मौजूद हैं। प्रभात, अब जब सूर्य को अर्घ देने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, महिलाएं वहां पर पूजा कर रही हैं, उपासना कर रही हैं, और कितना उत्साह और क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी प्राची, सबसे पहले आपको छठ की बधाई, और सबसे पहले बिना देर करे हुए हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो वाकई मन को मोह लेने वाली है, और छठ मैया की जो रौनक है वो कानपुर में देखने को मिल रही है। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद यहाँ पर जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, और उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है। तो महिलाएं जो है वो पूजा अर्चना उनकी शुरू हो गई, और जो आप देखेंगे कि अर्घ देने के लिए महिलाएं जो है वो पानी में उतर गई हैं। कई लोगों की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, वो मान्यता के हिसाब से पूजा अर्चना करते हैं, और सभी लोग अपनी अपनी वेदियों में पूजा पाठ जो है उसकी प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। ढोल आप देखेंगे कि सामने बज रहे हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं, उत्साह से हर्षोल्लास के साथ मना रहे त्यौहार। तो साफ है कि कोविड प्रोटोकॉल का भी लोग पालन करते नजर आ रहे हैं, अधिकतर लोगों ने मास्क पहन रखा है, बहुत से लोग जो है वो जो तैयारियां कर रहे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग जो मौजूद है उनसे बात करते हैं। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे, आप छठ का त्यौहार मनाने हैं, कितना उत्साह है और किस तरह से मना रहे हैं आप पूरा त्यौहार? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग, कोरोना के बावजूद इतनी कम गैदरिंग है लेकिन फिर भी है, बट हमारी आस्था इतनी ज्यादा है कि हम लोग इसको पूरे हर्षोल्लास से मनाएंगे। काफी कठिन व्रत होता है ये, आप लोग व्रत रहते हो, उसके बाद पानी में जाकर अर्घ देना, उसके बाद सुबह तक व्रत रहना, तो कहीं अंदर से हिम्मत टूटती है? बिल्कुल हिम्मत नहीं आती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। आप भी आए हैं व्रत करवाने के लिए, पूजा प्रयागराज से आए आप, तो यहाँ पर आने के कोई खास वजह? हाँ, इनका मायका है, और हर साल आप यहीं पर आते हैं? बिल्कुल प्राची, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उत्साह है लोगों में, और लोग जो है वो पूजा जो है वो शुरू हो गई। भीड़ आप देखेंगे, आपकी नजर जहाँ जहाँ तक जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ आस्था का सैलाब दिखेगा। लोग जो हैं वो छठ मैया की पूजा करते दिखेंगे, अर्चना करते दिखेंगे, और जो अपनी कामना है वो छठ मैया से मांगते दिखेंगे। डाल में जो वो फल लाए हैं, जो गन्ने हैं और जितने भी मौसमी फल हैं उनको अर्पित करेंगे। उसके बाद जब डूबते हुए सूरज को अर्घ दे दिया जाएगा, उसके बाद जो ये महिलाएं वो घरों की तरफ जाएंगी, और सुबह उठकर एक बार फिर वो वापस यहाँ पर आएंगी, और उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही ये जो व्रत है वो खत्म होगा। आपको दिखाना चाहेंगे जो तस्वीरें हैं वो आप देख कर लगा सकते हैं कि ये कानपुर का पंती घाट है, और सिर्फ यहाँ पर देखेंगे कि जो महिलाएं हैं आपके पास वापस लौटेंगे और फिर से इन तस्वीरों को देखेंगे।